थोर शेर है, किस शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की कोशिश की है। इस जुमले को सच करती हुई नजर आई महानगर कोलकाता की डॉक्टर रजनीकर केसरी, जिन्होंने 25 फरवरी को एलिट बंगाल प्लस साइज ब्यूटी मुकाबला जीत लिया। यह मुकाबला खास तौर पर प्लस साइज खातून के लिए मुनक्किद किया था। इसके अलावा रजनी गोर्गे ने प्लस साइज मिस इंडिया 2019 में फाइनलिस्ट के तौर पर हिस्सा लिया था। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर रजनी गर्ग केसरी एक जियोलॉजिस्ट लाइफ कोच के अलावा एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। अपने इस भारी भरकम शरीर यानी मोटापे के बावजूद भी इन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लेकर दुनिया वालों के सामने एक मिसाल पेश की। पिछले दिनों इनके स्थायी निवास पर महानगर कोलकाता में मिस इंडिया रही रिचा शर्मा ने, जो कि मिस इंडिया इंटरनेशनल की विजेता रही, उनके ही निवास पे दमदम में उन्हें एक सम्मान से नवाजा। आइए देख लेते हैं इस मौके पर क्या कहना है उनका और आए हुए मेहमानों का न्यूज लाइन कोलकाता के माध्यम से। देखते रहिए न्यूज लाइन कोलकाता और हमारे चैनल को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं अपनी सिस्टर डॉक्टर रजनी गर्ग की जर्नी के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी अभी एलिट बंगाल मिसेस प्लस साइज का अवार्ड जीता है, ब्यूटी पेजेंट उन्होंने विन किया है। और उनकी एक जर्नी बहुत ही स्ट्रगलिंग रही है बचपन से, बीइंग ए प्लस साइज वुमेन बचपन से ही वो ऑब्सेस थी और काफ़ी सारा स्ट्रगल और रिजेक्शन उन्होंने झेला है। उसके बाद भी उन्होंने एक बहुत अच्छा करियर अपने लिए बनाया एंड देन उन्होंने 2018 में मिसेस प्लस साइज के इवेंट में पार्टिसिपेट किया वहाँ एक उनको वहाँ उनको एक सब टाइटल भी मिला। बट अभी फाइनली 2023 में एलिट बंगाल मिसेस प्लस साइज में वो डीवा विनर बनी है। और हमारे बीच है मिसेस रिचा शर्मा, जो फॉर्मर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल और बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस है, और मेरी सिस्टर डॉक्टर रजनी गर्ग हमारे बीच है, तो इनसे मिलते हैं और इनकी सुनते हैं। नमस्ते, आई एम डॉक्टर रजनी गर्ग केसरी एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सो ऑनर्ड दैट फाइनली आई हैव वोन प्लस साइज ब्यूटी पेजेंट एंड एज माई सिस्टर टोल्ड दैट मेरी जर्नी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल से भरी है, जो कि मेरे ख्याल से हर प्लस साइज वुमेन की होती है। सोसाइटी में उनको बहुत कुछ सुनना पड़ता है, रिजेक्शन मिलता है। हम लोग सभी चाहते हैं कि हम लोग ब्यूटी पेजेंट विनर बने या एक्ट्रेस बने, सभी लड़कियों का ड्रीम होता है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि हमारा वेट ज़्यादा होता है तो लोग नहीं एक्सेप्ट करते। बट मैंने सोचा था कि इसको मैं अपने लिए एक ऑब्स्टिकल्स नहीं बनने दूंगी और मैं लोगों को प्रूव करूंगी कि इवन प्लस साइज वुमेन कैन बी ब्यूटीफुल, बिकॉज आई बिलीव दैट ब्यूटी कम्स इन ऑल शेप्स एंड साइजेस। हर औरत खूबसूरत होती है, हर औरत एंड कर्व्स ऑल्सो आर ब्यूटीफुल। तो मैं बहुत ऑनर्ड हूँ कि ऐसे पेजेंट्स अब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, लोगों ने जानना शुरू किया है। और मैं पहले मिस प्लस साइज इंडिया में पार्टिसिपेट किया था, वहाँ एक सब टाइटल जीता था मिस ब्यूटी विद ब्रेंस, बट फाइनली मैंने एक कॉन्टेस्ट जीत लिया है और मैं बहुत खुश हूँ। और रिचा मैम यहाँ पे आई है, आई एम सो हैप्पी, शी इज़ फॉर्मर एक्स मिसेस इंडिया एंड शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, आई हैव सीन सम ऑफ हर मूवीज। और ये उनका बड़प्पन है कि आज वो यहाँ पे मुझे सपोर्ट करने आई है, क्योंकि हमें भी ज़रूरत है कि प्लस साइज वुमेन को सपोर्ट मिले। और रिचा मैम का बहुत बड़ा बड़प्पन है कि वो सपोर्ट करने आई है, बीइंग वो प्लस साइज नहीं है बट फिर भी उन्होंने सोचा हमारे बारे में, यही बहुत बड़ी जर्नी है। और मैं आपके करियर के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि एज ए साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्पिरिचुअल हीलर, मैंने अपने लिए एक नाम कर्व किया है। बट इट्स रियली ग्रेट, आई एम हम्बल्ड एंड ओवरवेल्ड दैट फाइनली आई गॉट टू प्रूव द सोसाइटी दैट इवन प्लस साइज वुमन कैन बी ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। मेरे लाइफ पार्टनर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, जब मैं अभी भी कॉन्टेस्ट में जा रही थी कुछ मेरे को पैर का इशू था और थोड़ा फिजिकल इश्यूज थे, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकती हो तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। और ये हमेशा से मानते आए हैं कि मैं सुंदर हूँ, उनका ही कॉन्फिडेंस है जो आज सारी दुनिया को भी मानना पड़ रहा है। थैंक यू
सबके ऊपर जाता है, मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरी सिस्टर जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है बचपन से, इसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरी मॉम ने किया है, और मेरे फादर नहीं है तो मेरी मॉम ने ही हम दोनों को बड़ा किया है, और मेरी सिस्टर ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, और मुझे किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स का सपोर्ट कभी नहीं मिला है। बट उसके बाद जब मेरी शादी हुई है तो मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, और कुछ मेरे एक दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जो लोगों ने हमेशा मेरे को हर चीज़ में मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है। वो यहाँ नहीं है सविता, फिर भी मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और आज रीचा मैम ने भी मुझे सपोर्ट किया है, इन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, तो मैं इन सबको अवार्ड डेडिकेट करती हूँ। आज शेयर करूँगी, कल ही मुझे किसी ने पूछा दैट आपको कभी इश्क हुआ है, मैंने बोला आज भी है और कल भी रहेगा और हमेशा रहेगा, और पता है किससे, जिसको मैं शीशे में देखती हूँ, अपने आप से। सो दैट इज़ वॉट आई थिंक दैट कि रजनी ने भी प्रूव किया है दैट कि एज अ वीमेन हमारे अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, अगर हमें कोई जज करता है ना तो वो आपको डिफाइन नहीं कर रहा है, वो अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि वो उसकी सोच किस तरीके की है। तो मुझे लगता है रजनी ने जिस तरीके से बॉडी शेमिंग के ऊपर एक प्रॉपर तरीके से जो एक छाप लगाई है कि इट इज़ एब्सोल्यूटली अ वेरी वेरी स्मॉल थिंग, वी आर ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड, हम अंदर से खूबसूरत है और बाहर से खूबसूरती कोई मैटर नहीं करती है, वो कब आती है, जब अंदर से हमारी सोल अच्छी होगी तभी हमारी जो टंग है, जिस तरीके से हम अपने बोल बोलेंगे उसी से हमें समझा जाएगा। सो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस रजनी को, एंड यस पूरी की पूरी फैमिली को दैट जो उन्होंने उसको सपोर्ट किया है, और आज मुझे यहाँ बुलाने के लिए, रजनी थैंक यू सो मच, एंड अगेन हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस। येस दैट इट डज नॉट मैटर, एज अ वुमन वी आर आई थिंक पावरफुल द डे वी आर बॉर्न, हम उसी दिन जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं हमारे पास ऐसी शक्ति ऐसी पावर है दैट बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हम प्लस साइज हैं, चाहे हम छोटे हैं, चाहे हम मोटे हैं, डज नॉट मैटर, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए बस, दैट इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट, और हमें हेल्दी होना चाहिए, दैट्स इट, थैंक यू। और तो सबसे बड़े एग्जांपल तो आप देखो दैट कि जो रजनी ने आगे बढ़ के दिखाया और उसने इसमें पार्टिसिपेट भी किया, एक बार भी नहीं सोचा दैट मैं आई थिंक मुझे कोई ऐसा बोलेगा वैसा बोलेगा, और बिल्कुल आज देखो वो अवार्ड लेके हमारे सामने बैठी है, तो उसने ही हिम्मत दिखाई, एनर्जी दिखाई। इनफैक्ट मैं आज, मेरी 21 साल की बेटी है, बट ट्रस्ट मी आज भी मुझे इतना सपोर्ट और इतना स्ट्रेंथ मिलता है, सिर्फ उसी से नहीं, पूरे घर से और पूरी टीम से, इनफैक्ट बाहर वालों से, जो शायद एक दिन नहीं मिलेगा, दूसरे दिन नहीं मिलेगा, तीसरे दिन डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि हमें खुद उठना पड़ेगा। और सभी मैरिड लेडीज़ के लिए, इनफैक्ट आज के यूथ के लिए भी एक मैसेज जो मैं हमेशा देती हूँ दैट हम एक जगह बैठ के अगर हम सोचते हैं ना दैट कि हमारी अलमारी साफ़ हो जाए या घर साफ़ हो जाए, नहीं होगा ना, हमें उसके लिए उठना पड़ेगा। सो अगर हमें कुछ भी करना है, हमें हमारे सपनों को जीना है, तो उसके लिए हमें खड़े होना पड़ेगा, एंड वी हैव टू डू एन एक्शन टुवर्ड्स दैट। एग्जैक्टली जैसा कि मैंने अभी अभी बोला दैट इनफैक्ट मैं अभी 3-4 दिन पहले IIHM गई थी, वहाँ पर एक सेमिनार था, सो देयर वॉज अ लेडी, शी वॉज आस्किंग मी दैट कि अभी तो मेरे बच्चे हो गए, अभी तो मैंने इतना सोचा था मैं क्या करूँ, कौन जाके इन लॉज से बात करे, कौन इनको बोले। मैंने कहा आपने सोचा तो है ना एटलीस्ट, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जाके बात करनी पड़ेगी, आप सिर्फ बैठ के सोच लोगे कि नहीं अभी तो मैंने सोचा था या मैंने सपने देखे थे, नहीं, उसके लिए यू हैव टू वर्क, एक्शन ज़रूरी है, दैट इज़ वॉट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड इनफैक्ट वास्तविकता में जीना बहुत ज़रूरी है, इंस्टेड हम सिर्फ सोचते रहे और ये सोचें कि काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता, सो आई थिंक दैट कि वी हैव टू लिव इन रियलिटी एंड प्रेजेंट, जैसे हम